हाय, आई एम मनीषा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में, जिसमें हमने देखा कि सवी और रजत जो हैं उन्हें आरती कर रहे हैं, और उस टाइम पे वो भगवान से कहते हैं कि हमें माफ कर दें, क्योंकि वो ये झूठ बोल रहे हैं कि वो पति पत्नी हैं, और जो उनकी बेटी है साई है, वो जो है वो बहुत चाहती हैं कि दोनों एक हों, और वो बहुत खुश हैं कि उनको ये दोनों मिले हैं, इस तरह की हमें देखने को मिला है। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो एक तरफ ये दोनों तो माफी मांग रहे हैं कि झूठी रिलेशनशिप दिखानी पड़ रही है, और दूसरी तरफ साई बड़ी खुश हैं। तो क्या बोलोगे आप? एज एक्सपेक्टेड कि जो बच्ची है वो तो वही चाहेगी ना कि जहाँ पे उसको प्यार मिल रहा है, जहाँ पे उसको वो अपनापन महसूस हो रहा है, वही चली जाए. एंड अदर पर्सन शी इज वेरी कंफर्टेबल विद इस परी आंटी, मतलब सभी. तो दैट इज व्हाट हर लिटिल प्रेयर इज ऑल अबाउट, कि वो उन दोनों को मिलाए जो कि शायद नहीं मिलना चाहते. वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन. जिस तरीके से रजत ने उनको उस दिन बोला था, फेवर मांगा था कि पत्नी बनने का नाटक करोगी करके, तो वही चीज वहां पे हम देख रहे हैं कि दे बोथ आर अपोलोजाइजिंग टू गॉड, क्योंकि वो पूजा कर रहे होते हैं ना, तो दोनों ही भगवान से माफी मांग रहे होते हैं कि ये करना पड़ रहा है उनको. और वहां पे जो छोटी बच्ची है वो तो यही मांग रही है कि इन दोनों को मिला दे ताकि मेरे लिए एक फैमिली हो जाए. ये है मोहब्बते के कंपैरिजन में, लाइक फॉर एग्जांपल, ये है मोहब्बते में दिस वाज अ लोरी सीक्वेंस. यहाँ पे ये दिखा रहे कि पूजा हो रही है और वहां पे सभी आ जाती है साई को लेके, व्हेन एवरीबॉडी वाज मिसिंग हर. सो थोड़ा बहुत तो दे आर चेंजिंग, दे आर कस्टमाइजिंग इट टू व्हाट गुम है किसी के प्यार में, कि जो बैक स्टोरी है या जो बैकग्राउंड है कैरेक्टर्स के, उसके हिसाब से तो वो कर रहे हैं. बट कोर स्टोरी स्टिल ये है मोहब्बतें ओनली. जो शो का सोल है वो अभी भी ये है मोहब्बतें ही है. तो ये सारी चीजें तो वहां पे ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गई थी, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि पीपल विल कनेक्ट टू दिस काइंड ऑफ अ ड्रामा, जहाँ पे टू पीपल आर कमिंग टूगेदर फॉर द किड. सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है, कैसे जाएगा ये. जो दो लोग बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है जिंदगी से, जिनको लगा नहीं कि उनको सेकेंड चांसेस मिलेगा, उनको जब सेकेंड चांस मिलता है तो किस तरीके से होगा, ये देखते में हमेशा से अच्छा लगता है. तो लेट्स सी कि हाउ इट इज गोइंग टू प्ले आउट ओवर हियर. बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है कि जब दो लोग जो जिन्हें नहीं पता कि उनको जिंदगी में दूसरा चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ऐसी वाली स्टोरीज जो होती हैं वो इंटरेस्टिंग भी लगती हैं कि किसी बच्चे के लिए दो लोग जुड़ रहे हों और फिर आगे उनमें प्यार हो, तो देखने में तो इंटरेस्टिंग होता ही है। लेट्स सी ये कैसे जाता है। और हाँ, हमने इसमें देखा था कि जो वेदर है वो उनके शोल्डर्स पे आता है, आके गिरता है दोनों के, वो क्या आप कह सकते हो कि भगवान ने उनको एक तरह का आशीर्वाद दिया है, क्या है? मुझे भी वो सिंबॉलिक लगा कि दोनों के शोल्डर पे चला जाता है और एक है साई के हाथ में भी है समथिंग. आई थिंक दोनों का एक पार्ट उसके हाथ में है, विच इज वाई वो एक शायद सिंबॉलिक वे में दिखा रहे हैं कि ये दोनों अलग है और दोनों का एक एक पार्ट उसके हाथ में है. एंड शी इज विशिंग फॉर देम टू कम टूगेदर. सो आई थिंक इट्स क्वाइट सिंबॉलिक दैट दे ट्राई टू शो इट इन दैट वे. कि वही कड़ी है ना उनको मिलाने की एक तरीके से। तो जी बिल्कुल. या तो एनीवेज देखते हैं क्या होता है, इंटरेस्टिंग ट्रैक तो है। अगर आपको हमारा ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें गुम है किसी के प्यार में ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Falaknath and you guys are watching me on Glitz Vision USA.